ठीक है, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दोस्तों, ये प्याज लिया था तो ये इसमें बहुत सारे छिलके हो रहे थे, तो मैं ये साफ़ करने में लगी हूँ यहाँ पे। आज का ब्लॉग मैं ऐसी जल्दी वाली में स्टार्ट कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल सीधे ब्लॉग में। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो दोस्तों, धूप आ रखी है, आप लोग देख रहे हो मौसम। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ गेहूँ सुखा रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ सुखा रही हूँ, धोए नहीं है। एक्चुअली हमने वो लिए थे बोरे, तो उसको सुखा रहे हैं धूप में। सुखाने के बाद फिर ड्रम में भर के रख देंगे ताकि उनमें कीड़ा भी ना लगे और एक मतलब संतुष्ट हो जाते हैं कि सुखाया करके। बाकी नीचे से सासू माँ कट्टे भर रही है, मेरा काम ऊपर लाने का है और सुखाने का है। ठीक है, चलिए करते हैं ये काम, फिर मिलते हैं आपसे। कल से हमारे पड़ोस में किसी की शादी भी है तो उसका कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है, तो बाहर बर्तन वर्तन धो रहे हैं। उस समय आपको उसका भी थोड़ा एक झलक दिखा देती हूँ। सब लोग काम में जुटे हुए, सफाई हो रही है पूरी अच्छे से। उन्होंने देखो उधर तक पूरा झाड़ दिया है बढ़िया करके। यहाँ पर बर्तनों की धुलाई हो रही है। उसके बाद गेहूँ रखने के बाद बहुत थकान सी हो गई थी धूप में, तो मैंने बनाया नींबू पानी और मम्मी ने और मैंने नींबू पानी पिया दिन में। आजकल वैसे भी गर्मियों का दिन है तो नींबू पानी पीना स्वास्थ्य के लिए वैसे भी स्वास्थ्यवर्धक होता है, तो एक बहाना भी था तो मैंने बना लिया और फिर हम पी रहे नींबू पानी। एंड दिन का समय दिन का टाइम है और मैं चावल ढूंढ रही हूँ दिन का खाना बनाने के लिए। यहाँ पे ना लड्डू बन रहे हैं, कल यहाँ पर शादी में आपको बताया था, यहाँ पर लड्डू बनना स्टार्ट हो गया और ढोलकी आवाज आप सुन रहे हो स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पे मिठाई बनना स्टार्ट हो गई है। एक्चुअली ना ये किराए में रहते हैं फैमिली, उनका सिंपल सा एक अरेंजमेंट था शादी का। में दर्द होना स्टार्ट हो गया है, मेरी ना इम्यूनिटी कम हो रही है, पता गाइस मेरी ना इम्यूनिटी कम हो रही है। तो कल मैंने वो चटनी खाई थी, किसकी आम की चटनी खाई थी, और आज मेरा सर दर्द स्टार्ट हो गया। तो पंखा भी मैंने 2 की स्पीड में चलाया था कल, मौसम ठीक ही था, तो फिर भी मेरा सर दर्द हो गई स्टार्ट। इतनी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है देखो। तो गाइस शादी के दिन का ये वीडियो छोटा सा, तब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई दवाई खा के, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। एक्चुअली खाना लेके हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं हमारे घर के बाहर सीढ़ियों में, फिर हम तो खाना अंदर ही ले गए थे, वहीं पे घर के अंदर ही खाया था। बाकी यहाँ पर ये सब लोग खाना इंजॉय कर रहे हैं एंड छोटी सा एक बहुत प्यारा सा अरेंजमेंट था। और शादी होने वाली है, अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बारात मतलब कि दूल्हा दुल्हन जो है, जयमाला वगैरह कुछ नहीं हुई थी, वैसे खाना उन्होंने सिर्फ आस पड़ोस के अपने आस पड़ोस के जो गली मतलब मोहल्ले के थे कुछ ही लोगों को इन्वाइट किया है बस। तो यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे खाना पीना, और यहाँ पे खाना पीना बना रहे हैं आप लोग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सीता जोशी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। कल तक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी दोस्तों, कल तो मैं दिन में सोई थी, दिन मतलब क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया, बुखार आ गया था बहुत ज़्यादा तेज, और तो उस वजह से मैं दिन भर सोई रही, कुछ काम भी नहीं किया। और आज थोड़ा सही लग रहा है, फीलिंग बेटर, तो अभी मैं उठी हुई हूँ। एंड अभी यहाँ बन रहा है हमारा, पूरे बन रहे हैं, आज दशहरा है, कह रही थी मम्मी तो बना देना। 9:10 हो गया है तो मैंने ये पूरी बना ली है। बाकी की बात करें तो नाश्ता पानी झाड़ू पोछा सब हो गया है, बाहर कल शादी भी थी वो भी निपट गई अच्छे से, उसका भी मैं कुछ ज़्यादा शूट कर नहीं पाई कल क्योंकि तबीयत खराब थी ना, तो ताकत जैसे नहीं आ रही थी, तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं, थोड़ा बहुत जितना भी किया आपके यहाँ वो भी शेयर करूँगी। वहाँ के आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप साथ बनाए रखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, एंड साथ बने रहिएगा, बस यही प्रार्थना करती हूँ। अगर कोई सजेशन है किसी का मेरे चैनल के प्रति तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। हाँ, और हमेशा स्वागत है आपके कमेंट का। ठीक है, थैंक यू। श्री राम, आज मंगलवार का दिन भी है दोस्तों, इसलिए जय श्री राम बोलिए। तो आज गंगा दशहरा है, तो आप सबको गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अभी दरवाजे पे वो जो स्टिकर होता है ना गंगा दशहरा द्वार पत्र, वो चिपकाने जा रही हूँ। ठीक है, और जब मैं मेरे को मतलब याद आ गया, जब मैं मतलब शादी नहीं हुई थी मेरी उससे पहले, तो मैंने जो ये पूरा दशहरा पत्र होता है ना खुद से बनाया था, खुद से ड्रॉ किया था। तो अगर मुझे फोटोज़ मिलेंगी मैं आपसे शेयर भी करूँगी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था वो खुद से, अगर हैंडमेड बनाओ ना तो अच्छा भी लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है दिखने में। तो अगर फोटो होंगी तो मैं आपके यहाँ शेयर करूँगी। ठीक है, बाकी मैं अभी लगा लेती हूँ दरवाजे पर उनको। दोस्तों आड़ू भी आने लगे हैं बेचने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने फ्रेश फ्रेश आलू। भैया क्या रेट है? 60 रुपये किलो। ओह, 60 रुपये किलो हैं दोस्तों, देख लो।